लोगों को, और अभी हम दोबारा इस रिपोर्ट को हम ठीक से पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत करेंगे। ये विश्व की सबसे प्रामाणिक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को कोई चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि इस कमेटी में जो जुड़े हुए लोग हैं, थोड़ा उसको निकल जाने दें। इस कमेटी में जो फिर से रिपीट करेंगे, ये विश्व की सबसे प्रामाणिक रिपोर्ट है। इसकी प्रामाणिकता इसके कमेटी के मेंबर्स के कारण बहुत गंभीर और गहरी है। प्रोफेसर बालियान विश्व प्रसिद्ध इसी विषय के वैज्ञानिक हैं। इस कमेटी में बाकी के लोग भी इसी प्रकार के हैं। उन्होंने उन जल की सुप्त धाराओं की खोज की है जो उत्तर से पश्चिम की ओर मुड़ गई किसी वजह से, और उसमें से अधिकतर धाराएं गायब हो गई, कई सूख गई और कई में थोड़ी नमी बनी रही। और ये खोज अभी इस टास्क फोर्स ने 6 महीने में की है, लेकिन असल में खोज पहले से चल रही थी। टास्क फोर्स ने सारी सामग्री को कलेक्ट किया और कलेक्ट करके प्रमाण एकत्रित किए कि ये धाराएं कहां से कहां तक गई थी, क्या था, इनके नाम क्या थे। तो एक प्रकार से अब वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर, उनके द्वारा दिए गए प्रमाणों के आधार पर, जो बात हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में चल रही थी, पूरे दुनिया में जिसकी चर्चा चल रही थी कि बहुत सारी प्रसुप्त जल की धाराएं हैं, घग्घर की, शारदा की, यमुना भी कहीं कहीं प्रसुप्त हुई है, इसी प्रकार से एक वो भी नदी थी जिसका नाम सरस्वती था और जो आदि बद्री से धौलावीरा तक गई थी, ऐसा बालियान साहब ने आज उनकी कमेटी ने हमको रिपोर्ट सबमिट की है। अब इसके आगे ग्राउंड वाटर बोर्ड अब इसकी छानबीन करेगा कि उसकी गहराई कहाँ कहाँ कितनी हो गई, क्या अभी भी उसमें नमी मौजूद है उन्हीं के प्रमाणों के आधार पर, और क्या उस जल की धारा से राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के सूखे इलाकों का मुकाबला किया जा सकता है, क्योंकि उसको क्या रिचार्ज किया जा सकता है, क्योंकि नई नहर निकालना
उससे कई बार कम खर्चीलापन होता है इसमें कि कोई पुरानी धारा आपको सूखी अगर मिल गई तो उसकी मिट्टी की जो नमी होती है और उसमें किनारे भी होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, उससे उस नए जल की धारा निर्माण करना ज़्यादा आसान हो सकता है। अब हम इसकी ओर बढ़ेंगे। इसलिए पूर्ण वैज्ञानिक, पुरातत्वविद वैज्ञानिक लोग, नदियों के वैज्ञानिक, भूगर्भों के वैज्ञानिक, इन सब ने मिलकर के अंत में आज ये रिपोर्ट सबमिट की है कि आदि बद्री से धौलावीरा तक एक जल की धारा थी जिसका नाम सरस्वती था। आदि बद्री से जल की धारा निकली सरस्वती की और हरियाणा की यमुनानगर की तरफ जो पीछे पहाड़ियां हैं उसमें डाइवर्ट हुई है, लेकिन अब वहाँ पे वो जल का स्रोत खत्म हो चुका है। बीच में कभी खबर आई थी साल भर पहले कि वहाँ पे यमुना मिल गई है, कभी हंगामा मचा था, कई सारे मंत्री वहाँ पे पहुंचे थे, लेकिन अब उस धारा को जीवित कैसे किया जाएगा? जहाँ ये भी जाना था कि हम से एक नहर निकाल के उसमें धारा छोड़ी जाएगी तभी जीवित हो सकती है, कैसे? अब मैं इसके इस मान्यता के बिल्कुल विरुद्ध हूँ कि आप एक नदी से दूसरे नदी को रिचार्ज करें। इंटरलिंकिंग अलग चीज़ है, वो सिंचाई के लिए है, लेकिन अगर आपको बायोडायवर्सिटी, एक्वा लाइफ और कैचमेंट एरिया को मेंटेन करना है तो आपको उसी नदी के जल से रिचार्ज करना होगा, क्योंकि वहाँ की जो सैंड होती है, वहाँ के जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं और किनारे की जो वनस्पतियाँ होती हैं वो उसी जल से रिचार्ज होती हैं। और इसका जल कौन था? जो हिमालय से प्रसुप्त अवस्था में चला आ रहा था, और बाकी बारिश का, मानसून का जल मिलता होगा। हम कोशिश करेंगे कि हम प्रकृति और पर्यावरण से छेड़खानी ना करें। यमुनानगर में जो मिला था स्रोत वो सरस्वती का ही है, रिपोर्ट में क्लियर हुआ? मैं चाहती हूँ कि अभी इस रिपोर्ट की एक समरी तैयार होगी और उस समरी के बाद हम एक महासम्मेलन बुलाएंगे, उसमें हम इसकी घोषणा करेंगे। आज मैं इतना कह सकती हूँ कि टास्क फोर्स ने रिपोर्ट सबमिट कर दी है और जो टास्क फोर्स हमने बनाई हमारे मंत्रालय ने, वो टास्क फोर्स में विश्व का कोई व्यक्ति उसको चुनौती नहीं दे सकता। उस टास्क फोर्स में वो प्रसिद्ध इस विषय के वैज्ञानिकों की टास्क फोर्स है, उनने रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें बहुत सारी नदियों की उन्होंने खोज की है, उसमें एक नदी सरस्वती भी है और इसको दुनिया की कोई वैज्ञानिक शक्ति चुनौती नहीं दे सकती। एक सवाल ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अभी तुम कहा